नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। और आज की हम क्लास में समझेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर ई फाइलिंग, जिसे आप इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी रिटर्न, कौन सी आरटीआर हम किस पर्सन को कब फाइल करनी चाहिए और क्या उसकी डेट है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आरटीआर के ऊपर देखिए, मैंने एक पीडीएफ बना रखी है आरटीआर फॉर्म्स की। देखिए, आरटीआर फॉर्म्स की बात की जाए तो आरटीआर चार तक की होती है, आरटीआर 2, 4, 2B इस तरह करके भी होती हैं। तो लेकिन हम इसे शॉर्टली समझते हैं कि आरटीआर कैसे क्या फाइल की जाती है और कौन पर्सन फाइल करेगा। देखिए, आरटीआर फॉर्म्स की अगर बात की जाए आरटीआर 1 की, तो आरटीआर 1 जो फाइल करेंगे वो ऐसे पर्सन होंगे जिनकी इनकम का जो सोर्स है अदर सोर्सेज है, यानी प्राइवेट इनकम है, कोई कमीशन से जिनका बिजनेस चल रहा है तो वो पर्सन फाइल करेंगे। कोई सैलरी, कोई एम्प्लॉई है, कोई पेंशन लेके अगर अपना इनकम अर्न कर पा रहा है वो सोर्सेस इनकम, अगर कोई हाउस से ले पा रहा है, अगर एक एक घर से अगर कोई रेंटेड बिजनेस चला रहा है उसके ऊपर, अगर एग्रीकल्चर इनकम अगर जिसकी 5,000 से कम है तो वो पर्सन फाइल करेगा आरटीआर, और जिसकी टोटल इनकम जो है 50 लाख से कम है वो सभी पर्सन आरटीआर 1 को फाइल करेंगे। अब बात आते हैं आरटीआर 2 की। आरटीआर 2 जो वैसे कह सकते हैं प्रोफेशनली है, वैसे देखा जाए तो आरटीआर जो 2 है कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल करेंगे जिनकी इनकम जो है एक कहते हैं 50 लाख से ऊपर होती है, और जिनका जिनकी इनकम का जो सोर्स है कैपिटल गेन हो और फॉरनर्स इनकम भी उनके पास, और एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ऊपर हो, और उनके पास बिजनेस या प्रोफेशनली अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं अगर उससे कोई इनकम हो रही है तो वो किससे फाइल करेंगे, आरटीआर 2 को फाइल करेंगे। चलिए अब बात करते हैं आरटीआर 3 की। आरटीआर 3 वो पर्सन पास करेंगे जिनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि उनके पास कई सारे मकान है, कई सारे किराए पे उन्होंने भाड़े पे चढ़ा रखे हैं, तो उनसे जो इनकम रिसीव होती है तो वो पर्सन क्या करेंगे, आरटीआर 3 को फाइल करेंगे। इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, अगर कोई इनकम अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय वाली कैपिटल गेन है कोई अर्न कर रहा है तो वो पर्सन क्या करेगा, आरटीआर 3 फाइल करेगा। अगर किसी की इनकम किसी प्रोफेशन या बिजनेस से हो रही है और उसका इनकम का जो सोर्स है लार्ज अमाउंट में और वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो क्या फाइल करेगा, आरटीआर 3। अगर कोई पर्सन का जो सोर्स है अदर सोर्सेज या कोई लॉन्ड्री है, कोई बिजनेस है, कोई बैट से कोई रेस होर्सिंग है या किसी तरह से और कोई है गैम्बलिंग से अगर इनसे रिलेटेड होता है तो वो क्या फाइल करेंगे, आरटीआर 3। अगर किसी का इनकम का सोर्स फोनर्स एसेट होती है, यानी किसी बाहर कोई जमीन है, कोई लैंड है जिसे बेच करके वो या रेंटेड दे करके अगर अपना अर्निंग कर रहा है तो वो क्या है, क्या करेगा, आरटीआर 3 फाइल करेगा। अब आरटीआर 4 को समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल्ली बिजनेस है। इनकम फ्रॉम द प्रीजम्पशन बिजनेस, अगर कोई प्रीजम्पशन बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो वो क्या फाइल करेगा, आरटीआर 4। तो उसके सेक्शन है सेक्शन 44AD में, तो बिजनेस डेमेंट अगर उसका प्रॉफिट 8 से 6% तक होता है तो उसे आरटीआर 4 फाइल करनी है। अगर सेक्शन 44ADA के अकॉर्डिंगली अगर किसी प्रोफेशन की जो डेमेंट प्रॉफिट होता है 50% होता है और या उससे ऊपर होता है तो उसे आरटीआर 4 फाइल करना है। अगर सेक्शन 44E के अकॉर्डिंगली AE के अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा है उसका जो प्रॉफिट है 7,500 पर व्हीकल पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर ऊपर है उससे ज़्यादा है तो उसे आरटीआर 4 फाइलिंग करना है। और आरटीआर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। आरटीआर 5 जो है वो पर्सन फाइल करेंगे जिनके पास कोई फर्म हो, कोई LLP, कोई बिजनेस प्रोफाइल हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन चला रहा है, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल चला रहा है, आर्टिफिशियल यानी कोई कोर्ट कचहरी होगी, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटीज होगी, इस तरह करके जो अथॉरिटीज होगी लोकल अथॉरिटी जैसे MCD होगी, तो अगर इस तरह का कोई इनकम से रिलेटेड कोई पर्सन है या तो उसे आरटीआर 5 फाइल करनी है। अगर कोई इस तरह की यूनिवर्सिटीज होती है, कोई म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन है तो उसे आरटीआर 5 में उसे फाइल करनी होगी। और आरटीआर 6 जो होगी कंपनीज जो कि एग्जेम्पशंस के लिए अगर कोई जैसे कोई छूट के लिए अगर फाइल करना चाहते हैं तो आरटीआर 6 का यूज करेंगे। और देखिए जो आरटीआर 7 है वो उन पर्सन के लिए जो कि 139, 4A, 4B, 4C और 4D ये एग्जेम्पशंस का है, एग्जेम्पशन सेक्शंस है। जो एग्जेम्पशन रिबेट के लिए अगर जाना चाहते हैं, किसी छूट के लिए अगर फाइलिंग करना चाहते हैं तो आरटीआर 7 और 6 का यूज कर सकते हैं मैक्सिममली, और बाकी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आरटीआर 1 आरटीआर 2 ही होती है मैक्सिमम, बाकी प्रोफेशनल्स होती है और बाकी कुछ अदर सोर्सेज के लिए होती है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, अगर नहीं अगर और भी कुछ न्यूली अगर कुछ चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कीजिए।